अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रंगे जिंदगी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशपाश होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी जीरा फ्राइज। बहुत जबरदस्त सी और बहुत आसान सी रेसिपी और बच्चों की फेवरेट रेसिपी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। यहाँ मैंने लिए है 1 किलो आलू। इनको मैंने वॉश कर लिया था, अब मैं इनको छील रही हूँ। आप चाहे छुरी से भी छील सकते हैं, मैं पिलर की मदद से छील रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे से फ्राइज़ बनते हैं। बच्चे अक्सर सिंपल फ्राइज़ खा खा के तंग आ जाते हैं। बच्चे आजकल के बहुत तेज़ और बहुत होशियार हो गए हैं, उन्हें भी चटपटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इसलिए आज मैं देने जा रही हूँ आपको बहुत ज़बरदस्त सी फ्राइज़ की रेसिपी। अब हम इनको स्लाइसिस में काट लेंगे। आप चाहे तो जिस मर्जी तरीके से काट सकते हैं। मुझे आदत है, मैं इसी तरीके से आलू काट लेती हूँ, फटाफट काम हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने कितने जबरदस्त से आलू काट लिए हैं। आपने इसी शेप में इनको काटना है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाँ जी, यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक का, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर हम यूज करेंगे। कॉर्नफ्लोर से चिप्स बहुत क्रिस्पी बनते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम चाट मसाला ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून हम दड़ा मिर्च ऐड करेंगे और 1/4 कप हम बेसन का ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी का ऐड करेंगे और अब इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से 2 मिनट तक मिक्स कर लेना है ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्सअप हो जाए। आप देख सकते हैं हमारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हमने इसमें ऐड करने हैं कटे हुए फ्राइज। हाँ जी, अब आपने इसमें सारे फ्राइज ऐड कर लेने हैं। मैंने थोड़े थोड़े करके सारे ऐड कर लिए थे और अच्छे से इनको मिक्सअप कर लिया था ताकि मसाला अच्छे से लग जाए इसमें। अब हम इसको कर लेंगे फ्राई। आपने इनको एक ही बार ही डाल के छोड़ देना है, बार बार इसको हिलाना नहीं है। 5 मिनट बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि अगर आप इसको लगातार हिलाते रहेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। आप ये देख सकते हैं 5 मिनट गुजर गए और मैंने इनको फ्राई कर लिया है। ये कितने ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी से बने हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। जी जनाब, हमारे फ्राइज ज़बरदस्त से रेडी हैं। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करेंगे। आप चाहे तो कुछ भी ऐड करके खा सकते हैं। बच्चों के फेवरेट और ज़बरदस्त रेसिपी, आपने लाजमी ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक देना है। फीडबैक के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।